The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया में नींद नहीं आना। कई लोगों को नींद अच्छी नहीं आती, किसी को आती नहीं है, स्ट्रेस चलता रहता है। सोच के देखो, अगर आप चार दिन दो दिन नहीं सोओगे अच्छे से तो क्या हो जाता है? थके थके फील करते हो, आंखें भारी होने लगती है, काम में मन नहीं करता, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, भूख नहीं लगती, एनर्जी नहीं होती, राइट? यही चीज़ क्रोनिक हो जाए तो बीमारियाँ इकट्ठी होने लगती। इसी के लिए एक बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है, एक हार्मोन है आपके बॉडी के अंदर बनने वाला, मेलाटोनिन। जी हाँ, मेलाटोनिन क्या है और उसका क्या फ़ायदा है, यही आज जानेंगे। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी खुद बनाती है, जिसका रोल है नींद में, स्लीप में। यहाँ पर ये जो प्रोडक्शन है ये ब्रेन में होता है और प्रोडक्शन रिलीज ये होता है उस टाइम पे जब अंधेरा होने लगता है, जब तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन होता है ज़्यादा। जैसे ही लाइट ज़्यादा रहती है, उजाले में मेलाटोनिन कम बनता है और उम्र के साथ साथ मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम होने लगता है। तो अगर मेलाटोनिन कम होने लगेगा तो नींद भी कम आने लगेगी। मेलाटोनिन का इसीलिए सप्लीमेंट भी आता है मार्केट में, जो आप ले सकते हैं ओरल टैबलेट के अनुसार। और मेलाटोनिन कॉमनली लोग बीमारियों के, स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए, इंसोम्निया, जेट लैग, ऐसी चीज़ों के लिए लेते हैं। अच्छी बात यह है कि जो नींद की गोलियां होती हैं, जिससे कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, एडिक्शन हो सकता है, डिपेंडेंसी हो सकती है, वो इसमें नहीं है। सो अनलाइक ऑल दीज स्लीप मेडिकेशंस, मेलाटोनिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाओगे आप, हैबिचुएशन नहीं हो जाएगी, ना ही आपको कोई हैंगओवर इफेक्ट होगा। दैट्स वाई मेलाटोनिन इज़ अ सेफ गुड स्लीप एड। ऑलराइट, नाउ इसकी काफ़ी सारी एविडेंस भी है, काफ़ी सारे रिसर्च भी है। नंबर वन, क्यों हेल्प करता है? सर्केडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर्स जो स्टडी हुई है इस पर, वो उसमें देखा गया कि मेलाटोनिन हेल्प करता है एडल्ट्स और चिल्ड्रन दोनों में जिनकी सर्केडियन रिदम में यस प्रॉब्लम आने लगती है। किसी किसी में अगर डिलेड स्लीपिंग फेज हो रहा है कि बहुत लंबे समय तक जाग रहे हैं, रात को नींद नहीं आती, नींद नहीं, उसमें भी रिसर्च में देखा गया मेलाटोनिन इज वेरी वेरी हेल्पफुल। स्लीप पैटर्न, मतलब दो घंटे चार घंटे से ज़्यादा अगर डिले हो रहा है तो दैट इज़ नॉट गुड। या तो स्लीप रहते हैं और उठ जाते हैं बीच बीच में, वो भी अच्छा नहीं है। तो इन लोगों के लिए भी, बच्चे हों या बड़े हों, मेलाटोनिन अच्छा है। इनसोम्निया, मतलब रिसर्च बताती है कि मेलाटोनिन ऐसे लोगों को भी रिलीफ देगा जो सो ही नहीं पाते या स्लीप नहीं रह पाते, और टोटल स्लीपिंग टाइम भी बढ़ाएगा, स्लीप क्वालिटी भी बढ़ाएगा, और ऑल्सो इसमें बस नींद से दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ टाइम पहले लेना, आधा एक घंटे दो घंटे पहले। जेट लैग में इम्प्रूव करता है, अलर्टनेस बढ़ाता है। शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर्स, मतलब अगर आपका काम ही कभी नाइट शिफ्ट है कभी डे शिफ्ट है, हमारे जैसा काम है, तो उसमें भी इट इम्प्रूव्स डे टाइम स्लीपीनेस क्वालिटी। मतलब अगर आपको दिन में सोना पड़ रहा है तो अगर आप मेलाटोनिन लेके सो रहे हो तो आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप बेटर हो जाएगी, सो दैट आपकी बॉडी रिफ्रेश्ड हो, उठे अच्छे तरीके से, जितना आपको रात को नींद मिलनी चाहिए थी उसके हिसाब से। और तो बहुत सारे सिनारियोज में, वर्किंग लोगों में, जिन लोगों को ये होता है कि वो रात को काम करते हैं और सुबह जाके सोते हैं तो नींद नहीं आती है, व्हाटएवर, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। सेम वे स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्बेंसेस इज आल्सो वेरी गुड इन चिल्ड्रन आल्सो। चिल्ड्रन जिनको रिसर्च में देखा गया है, जहाँ पर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई साइकिल ही टूट गया, पहले तो छुट्टियों हो गई हैं, फिर ये हो गया है, या अब पहले तो एक साइकिल चल रहा था अच्छे से कि एक टाइम पे सो रहे थे एक टाइम पे उठ रहे थे, अब नहीं उठ रहे हैं, बच्चे हो या नौजवान हो, राइट, या छुट्टियां हो गई हैं, तो दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी सॉल्व्ड। रीसेंट रिसर्च ने यह भी बताया है कि जिनको इवन ब्रेन की बीमारियां, अल्जाइमर्स हो या फिर कोई एमाइलोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस हो, उसमें भी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को ये बेटर करता है। कॉग्निटिव मतलब आपके सोचने समझने की क्षमता को भी, क्योंकि रिलैक्सेशन जितना अच्छा होगा, ब्रेन का नींद अच्छी आएगी, उतना आप लोगों को, आपके लिए फायदा होता है। सो फिर आखिरी में बात आती है, क्या ये सेफ है? जनरली सी, बॉडी नॉर्मली
काफ़ी मेलाटोनिन बनाती है जो उसकी जनरल नीड के लिए होती है, लेकिन याद रखिए वो दिन में नहीं रात में बनता है। तो जब ऐसे चीज़ों में शॉर्ट टर्म यूज़ या इवन लॉन्ग टर्म लो डोज यूज़ में मेलाटोनिन सेफ है। सो डिलेड स्लीप फेस हो, सर्किडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर हो या इंसोम्निया हो, मेलाटोनिन को आप बिल्कुल ट्रीट कर सकते हो इन चीज़ों के लिए, स्लीपिंग पिल से पहले और स्लीपिंग पिल के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेफ्टी वाइज मेलाटोनिन के एक जनरल अप्रोप्रिएट अमाउंट में अगर आप सेफ डोज में लोगे तो वो सेफ है। 3 मिलीग्राम से लेके 10 मिलीग्राम तक भी मेलाटोनिन जनरली अवेलेबल है एज अ टैबलेट। ज़्यादातर केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं कि आपको ज़्यादा नींद आ जाए अगर आप ज़्यादा डोज ले लिया, हेडेक, डिजीनेस, नॉजिया, ड्राउजीनेस ऐसा हो सकता है, बट दिस इज़ वेरी लेस कॉमन, राइट। सो ऐसे कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके कि रिड्यूस्ड अलर्टनेस, कन्फ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, पेट में क्रैम्प्स, माइल्ड एंजाइटी, कोई लो ब्लड प्रेशर, ऐसी चीज़ें, बट ये रेयर है बिकॉज मेलाटोनिन डे टाइम ड्राउजीनेस कर सकता है क्योंकि आपने अगर ज़्यादा डोज लिया। इसको छोटे डोज से शुरू करिए, 3 मिलीग्राम से शुरू करिए आप, अगर नहीं नींद आई तो फिर 5 पे जा सकते हैं, फिर 10 पे जा सकते हैं स्लोली। दैट इज द बेस्ट एंड सेफेस्ट अप्रोच, राइट। सो अगर आपको किसी प्रकार की कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तब आप मेलाटोनिन ना यूज करें ऐसा बोला जाता है। सो दैट इज देयर। सो लेट्स टॉक अबाउट इंटरेक्शन। मेलाटोनिन का कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट, एंटी प्लेटलेट्स वाले जो खून पतला करने वाली दवाई हैं उनके साथ में ये देखा गया है कि वो थोड़ा सा उसकी एक्टिविटी बढ़ाते हैं, तो ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। सिर्फ ब्लीडिंग पे ध्यान दें। वैसे एंटी कन्वल्सेंट, जो एंटी कन्वल्सेंट होते हैं, दौरे वाली दवाइयाँ, उनका भी इफेक्ट कम कर सकती है मेलाटोनिन, उनका इफेक्ट कम कर सकती है। ब्लड प्रेशर के ड्रग्स जो हैं और उसमें क्या कर सकते, वो लो कर सकता है ब्लड प्रेशर, दवाई कम करनी पड़ सकती है। सो इसलिए सिर्फ चेकअप रेगुलर करिए, ऐसा नहीं है कि उसके साथ दवा बंद ही कर देनी है। यू जस्ट चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, आपका ब्लीडिंग तो नहीं हुआ, देखते रहिए। CNS डिप्रेसेंट्स अगर ले रहे हैं तो ऐड हो जाएगा इफेक्ट, और ज़्यादा नींद आएगी। नींद की गोली प्लस मेलाटोनिन, ज़्यादा नींद आना, सिंपल सी। दारू पी रहे प्लस मेलाटोनिन, ज़्यादा नींद आएगी। डायबिटीज़ मेडिकेशंस में शुगर लेवल्स अफेक्ट हो सकते हैं, इसमें आपकी शुगर जो है कम हो सकती है, तो मेक श्योर करिए कि डायबिटीज़ मेडिकेशंस में शुगर चेक करते रहें। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर साइटोक्रोम P50 के ऐसे कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं मेलाटोनिन के साथ। सो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वाले लोग भी अपने डॉक्टर से बात करके ही खाएं, राइट। और बाकी इम्यूनोसप्रेसेंट्स या सीजर की दवाई ले रहे हो, कोई ऑलरेडी आप साइकोलॉजिकल दवा ले रहे हो, तब भी आपको अपने डॉक्टर से बात करके ही खानी है, और एल्स इट इज़ वेरी जनरली अ सेफ सप्लीमेंट फॉर द जनरल पब्लिक या ओल्ड एज में। सो मेलाटोनिन अगर आपको लेना है, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। लेट मी सजेस्ट यू दिस स्लीपिंग एड, स्लीप एड एज यूजल, वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। ये एनवेदा का प्रोडक्ट है, एनवेदा ने बनाया प्रोडक्ट है, इसका नाम है स्लीप एड, 3 मिलीग्राम्स ऑफ मेलाटोनिन, एनवेदा। इट्स अ गुड प्रोडक्ट और इसको आप ट्राई कर सकते हो। सील पैक में आता है और ये आपको छोटे छोटे वाइट कलर के टैबलेट्स मिलेंगे, वेरी स्मॉल टैबलेट्स, वाइट कलर। तो इसको आप ले सकते हो, 1 टैबलेट रात को सोने से थोड़ा देर पहले, आधा एक घंटा पहले। सो दैट विल हेल्प यू आउट, रिलैक्स करेगा, नींद अच्छे से आएगी। व्हाट आई विल डू इज, इसके लिंक और इसका लिंक्स मैं नीचे सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप ट्राई करो। मेलाटोनिन कायदे से देखो, कोई भी ले सकते हो आप, बट दिस इज़ अ ट्रस्टेबल कंपनी, ट्रस्टेड कंपनी है, तो इसको आप ट्राई करके देख सकते हो। रेट भी इसका कुछ ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 60 कैप्सूल्स का आपको अराउंड, इसमें प्रिंटेड तो 750 है, बट कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको वहाँ पे, राइट। सो बढ़िया है, अच्छा है, इट्स अ गुड एड। तो जिन लोगों को नींद नहीं आती है, जो लोग स्लीपिंग में डिस्टर्ब रहते हैं, रात को उठ उठ के दिक्कतें होती हैं, या जो लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, नींद की दवाई लेते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी है। अपने एडिशन में ऐड करिए ताकि हो सकता है आपकी स्लीपिंग पिल जिसके एक्चुअल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडिक्शन है, वो कम हो जाए। सो मेलाटोनिन मैं खुद प्रिस्क्राइब करता हूँ कई पेशेंट्स को। सो यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड लेट मी नो हाउ यू फील अबाउट इट, राइट। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो लाइक ज़रूर करया करो, शेयर ज़रूर करया करो, कुछ भी हो, बिकॉज दिस इज़ वेयर YouTube विल गिव अस यू नो मोर एंड मोर ब्रॉडकास्ट, ज़्यादा से ज़्यादा वो रिकमेंड करेगा लोगों को। सो अच्छी जानकारी
लोगों के पास मिलेगी. राइट, सो थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, एंड प्लीज डू राइट सम कमेंट्स बिलो. बाय बाय.